हेलो फ्रेंड, मैं स्मृति आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्मृति में। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ झारखंड जीके। इस क्रम में वैसे प्रश्नों को मैंने शामिल किया है जो विगत प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये उन सारे स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो झारखंड में आयोजित होने वाले विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं। तो चलिए लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? इसका उत्तर है महली। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितने टाइगर रिजर्व हैं? इसका उत्तर है झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न है कि अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इसका उत्तर है जावा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के कौन से जिले में ग्रेफाइट रिजर्व सर्वाधिक पाया जाता है? इसका उत्तर है पलामू। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सीमा को कितने राज्य जो हैं वो स्पर्श करते हैं? तो इसका उत्तर है झारखंड से पांच राज्य जो हैं वो अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड की सबसे ऊँची चोटी कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की चोटी है। अगला प्रश्न है कि कृषि विभाग के द्वारा झारखंड उल्लिखित झारखंड की खेती की भूमि का कितना क्षेत्र जो है वो है असिंचित क्षेत्र है? तो ये है 92%, 92% क्षेत्र ऐसा है जो खेती की भूमि का असिंचित क्षेत्र है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में विश्व में अभ्रक का मुख्य स्रोतों में से एक है? तो ऐसा कौन सा जिला है जो मुख्य अभ्रक का मुख्य स्रोत है? तो ये है कोडरमा। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज़ से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं? इसका उत्तर है टुसू पर्व। अगला प्रश्न है कि झारखंड किस खनिज का एकमात्र उत्पादक है? इसका उत्तर है प्राइम कुकिंग कोल। अगला प्रश्न है कि कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुडुख धर्म के नाम से जाना गया था? इसका उत्तर है ताना भगत आंदोलन। अगला प्रश्न है कि झारखंड का ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? तो इसका उत्तर है धातु। अगला प्रश्न है कि झारखंड पंचायत राज्य अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? इसका उत्तर है 50%। प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है जमशेद जी टाटा। अगला प्रश्न है कि हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर है भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। ये ऐसे प्रश्न हैं जो झारखंड SSC में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? इसका उत्तर है पूर्वी सिंहभूम। इन प्रश्नों से आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न जो हैं झारखंड से संबंधित पूछे जाते हैं और क्या लेवल होता है झारखंड SSC में प्रश्न पूछे जाने का। अगला प्रश्न है, फुलडुंगरी किस शहर के निकट स्थित है? तो इसका उत्तर है घाटशिला। अगला प्रश्न है, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है त्रिकुटी पहाड़ी। देखिए, और जैसे कि ये भी आपको पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि झारखंड की जनजातियों से प्रश्न पूछे गए, झारखंड में हुए जो विभिन्न जनजातीय विद्रोह हैं उनसे प्रश्न पूछे गए, नदियों से प्रश्न पूछे गए, कुछ करंट अफेयर के भी प्रश्न थे, कुछ खाद्यान्न खनिज उद्योग इन सभी से भी प्रश्न हैं। तो ऐसे टॉपिक पर आप अपनी पकड़ मजबूत कर लें
और मेरे से भी जितना बन पड़ेगा मैं इससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उन सभी को क्लियर कराऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपके कॉन्सेप्ट भी इससे संबंधित जो है वो क्लियर हो जाएं, क्योंकि जब आप झारखंड पीसीएस की परीक्षा की तैयारी करते हैं तो उसमें कॉन्सेप्ट बेस्ड भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने होंगे। फिलहाल मैं अभी जो प्रश्नों का क्रम जो मैं चला रही हूँ, जो ऐसे प्रश्नों का संग्रह मैं आपको दे रही हूँ जो विगत प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारियों के, जिससे आपको जैसे मैंने आपको बताया कि परीक्षा में प्रश्नों के लेवल का पता चलता है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं या इससे भी इससे ये भी पता चल रहा है और किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं ये भी पता चल रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी तैयारी का, इसलिए आप ऐसे क्लासेस को भी करें। और जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का ये जो सेगमेंट है ये ख़त्म होगा, वैसे ही मैं कॉन्सेप्ट बेस्ड भी आपको जो स्टडी है वो भी स्टार्ट कर दूंगी। चलिए अगला प्रश्न लेती हूँ। बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है? इसका उत्तर है विद्रोह। अगला प्रश्न है कि झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है धनबाद में। अगला प्रश्न है मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? इसका उत्तर है जगदीश त्रिगुणायत। अगला प्रश्न है बिरसा मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको धरती आबा के नाम से जाना जाता है या अर्थात भूपिता। अगला प्रश्न है कि श्री शामेद शिखर जी को और किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है पारसनाथ की पहाड़ी। अगला प्रश्न है बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो ये बसंत के आगमन का अग्रदूत है। अगला प्रश्न है कि जादूगोड़ा यूरेनियम खाद्यान्न झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है पूर्वी सिंहभूम। प्रश्न है झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो जो छठ पूजा है वो सूर्य देवता की आराधना के लिए की जाती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो झारखंड की पहली राजभाषा जो है वो है हिंदी। अगला प्रश्न है कि खेरवार विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका उत्तर होगा भागीरथ मांझी। प्रश्न है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर होगा महुआ मांझी। तो देखिए झारखंड के साहित्य से भी प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान क्या है? तो झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न है, तो ये 28वां राज्य है। अगला प्रश्न है कि संगीत का कौन सा प्रकार फागुन माह में गाया जाता है? तो ये फगुआ में गाया जाता है और झारखंड की संस्कृति कला और संस्कृति से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक पे आप अपनी पकड़ जो है वो मजबूत कर लीजिए और टाइम टू टाइम मैं ऐसे संबंधित जो वीडियोस होंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए, तो वैसे वीडियोस को भी मैं डे बाय डे आपको प्रोवाइड कराते जाऊंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।